आज हमारे नमाड़ा थाना क्षेत्र में लोहीचा ग्राम पंचायत में सोया गांव है। सोया गांव का लक्ष्मण पुत्र किशन बंजारा, जो कि बलराम और जुगराज से गुजर के काम करता था, 4-5 सालों से वर्क करा था। एक दूसरे भाई को काम करने के उपलक्ष्य में छोटे भाई को बड़े भाई का काम कर दिया। छोटे भाई धमकाया, मारा पीटा, दोनों बहनों हाथ पैर में चोट दी, सरिया लाठी से मारा, और लक्ष्मण बंजारा को मोबाइल और मोटरसाइकिल में कुचका लिया। उससे लक्ष्मण बंजारा परेशान होकर के नमाड़ा थाने में पहुंचा, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी उन लोगों ने धमकिया दी कि लक्ष्मण बंजारा तू क्या कर लेगा, तुम बंजारा हो ही कितने से इतने, तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ऐसा करके लक्ष्मण बंजारा सोचा कि मेरी वजह से मेरे परिवार को संकट आ गया है, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। तो उससे पहले उन्होंने खुद ने स्वयं ने जहर खा करके आत्महत्या करने का निर्णय लिया। अशिक्षित लोग थे, मानसिक तनाव के कारण जहर खा लिया। जहर खाने से उनको तुरंत कोटा ले जाया गया। कोटा जहाँ उपचार के दौरान आज उनको मृत्यु हो गई। और जहाँ नमाड़ा थाने के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि परिवार को आर्थिक सहायता प्लस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजाओ, पासे की सजाओ, जिससे अपराधी के प्रति बेकायब हो और लोगों का प्रति विश्वास, पुलिस का विश्वास बढ़े। जुगराज गुजर, बलराम गुजर जो इसके सेठ होते हैं, जो इसके यहाँ वर्क करता है, काम करता है, उन लोगों ने घटनाक्रम ये है कि 20 अप्रैल को फरियादी लक्ष्मण ने एक रिपोर्ट दी थी कि वो एक दिन पहले शादी में गया था रात को, जिस सुमित्रा बाई के यहाँ गुजर के यहाँ पे हाली लग रहा है बावड़ी खेड़ा का, तो उसके यहाँ से शादी में चला गया था। इसी बात को लेकर उसके जेठ के लड़के ने दूसरे दिन सुबह जेठ के लड़के बलराम ने उसके साथ मारपीट करी, जिससे उसके शरीर पे 2-3 जगह चोट आई। इस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश जारी थी। चूँकि मृतक ने जो है शाम को किसी अज्ञात कारणों से जहर का सेवन कर लिया था, इस पर पुलिस भेजी भी थी उसके बयान लेने, लेकिन बयान देने योग्य स्थिति में नहीं था और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर आज उसके भाई ने एक रिपोर्ट पेश करी है कि इससे व्यथित होकर, मारपीट से व्यथित होकर और डराने धमकाने से व्यथित होकर उसने आत्महत्या करी है। इस पर प्रकरण में 306 IPC और जोड़ी गई है, अनुसंधान जारी है। शीघ्र ही मुल्जिमान गिरफ्तार किए जाएंगे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO तालेड़ा, SHO नवाणा और दिगर आयोग के नेतृत्व में टीम गठित कर तलाश सरगर्मी से जारी है। तफ्तीश के बाद जो सही चीज़ होगी वो निष्पक्ष होकर की जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करी थी, मुकदमा दर्ज है मेरे 49 नंबर का मुकदमा, FIR है मेरे पास, उसके उसी दिन दर्ज किया गया था मुकदमा। और उसके बाद फिर जो है उसने अज्ञात कारणों से जहर भी खाया, तो उसके लिए हम पुलिस गई भी थी बयान लेने, लेकिन बयान लेने की स्थिति में था नहीं, इसलिए उसके बयान नहीं हो पाए और दौरान इलाज ही उसकी मृत्यु हुई। ये गलत है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। पुलिस तो काम है निष्पक्ष होकर अनुसंधान करना, सपोर्ट तो पुलिस जो सही चीज़ होगी वो कर रही है, किसी के दबाव में नहीं है और बिल्कुल निष्पक्ष होकर जितनी उसको हो सकेगी न्यायोचित मदद दिलवाएंगे। अगर गरीब है तो नियमानुसार प्रशासन उसको जो आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सकेगा वो उसकी सहायता के लिए अपन प्रयास करेंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।